शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री और बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर, लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंगी धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया और कहा कि मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से ध्यान आकर्षण कराया गया है। मांगों का निराकरण नहीं किए जाने एवं कर्मचारी संगठनों से संवाद नहीं किए जाने के फलस्वरूप प्रदेश एवं खंडवा जिले के अधिकारियों कर्मचारियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। मांगे इस प्रकार है कि प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम मंडल आदि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को केंद्र कर्मचारियों के समान केंद्र तिथि से 11% महंगाई भत्ते का भुगतान तत्काल किया जावे। अधिकारियों कर्मचारियों को माननीय उत्तम न्यायालय के निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नतियाँ अति शीघ्र प्रारंभ की जावे। अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम मंडल आदि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश के संदर्भ में दिया जावे। प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम मंडल आदि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्र कर्मचारियों के समान दिया जाए। अंशदायी पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। अध्यापक संवर्ग को नए शिक्षा संवर्ग में नियुक्त के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर क्रमोन्नति का लाभ प्रथम नियुक्त दिनांक से दिया जावे एवं उच्च श्रेणी शिक्षक का पदनाम वेतन अनुसार दिया जावे। लिपिक संवर्ग, कोषालय सहायक, प्रोग्रामर, स्टेनो सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति का तत्काल निराकरण किया जावे। दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थायी कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के को नियमितीकरण किया जाकर अनुकंपा नियुक्त के आदेश का सरलीकरण किया जाने। कृपया विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार अधिकारियों कर्मचारियों की भावनाओं को देखते हुए शीघ्र आदेश जारी करने की कृपा करें। यह हमारा मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में विभिन्न मांगों से संबंध में हमने अपना ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में प्रमुख मुद्दा है ओल्ड पेंशन, 11% डीए, क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति, अन्य विभिन्न मांगों के संबंध में हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है। क्योंकि पूर्व में भी हमारे द्वारा शासन को ज्ञापन दिया गया था जिसमें उन्होंने लालीपाक पकड़ा के 5% डीए दे दिया था। तो मध्य प्रदेश शासन ने जो मुख्यमंत्री महोदय जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, जिन्हें जगाने के लिए आज कर्मचारियों ने अपनी फूंक दी है, और ये फूंक नहीं है, आग चिंगारी नहीं, ये आग का शोला है। अगर हमारी कर्मचारियों की भावना अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने नहीं मानी, क्योंकि झारखंड में ओल्ड पेंशन लागू हो गई है, राजस्थान में हो गई है, छत्तीसगढ़ में मान्य करने की दशा में ही है, तो मध्य प्रदेश सरकार को क्या परेशानी आ रही है कि हमारे मुट्ठी भर कर्मचारी मध्य प्रदेश में अब बचे हैं जो सेवानिवृत्त होने की कगार पर हैं, हैं? उनकी पदोन्नतियाँ नहीं हो रही है। 2016 से आज कर्मचारी हमारे बिना पदोन्नति के रिटायर हो रहे हैं। एक पद पे, एक शाखा में 8 शाखाएं का काम चलता है जिसमें मात्र एक कर्मचारी काम कर रहा है, पद नियुक्तियाँ नहीं कर रहे हैं, संविदाओं पर रख रहे हैं, उसमें भी कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। आप 6,000-7,000 रुपये में संविदा पे कर्मचारियों को रखोगे, क्या जीवन यापन चल सकेगा? तो हमारी ये विभिन्न मांगे हैं, और अगर शासन ने इन मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो आगामी समय में कर्मचारी भी फिर अपनी हठधर्मी पे आ जाएगा। ये धरना नहीं था, ये तो सांकेतिक ग्यामर का था, और जो मंच लगा था, पंडाल लगा था, वहाँ सारे साथी कर्मचारी संगठन लोग बैठेंगे, अब
डिबेट करेंगे, अपनी अपनी विचारधाराएं रखेंगे और उसके बाद 4 बजे एकत्रित होकर ही हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। बार बार कलेक्टर महोदय से 3-4 बार मिले पर वो कर्मचारियों के समक्ष आने में हमें उपस्थित होने में थोड़ा सा हिचकिचाते थे, या कोरोना काल के डर के मारे, या कर्मचारियों के दबाव के कारण, या जो भी हो। तो कर्मचारी साथियों में एक जिज्ञासा थी कि माननीय कलेक्टर महोदय के दर्शन हो जाएँ, क्योंकि दादाजी के दर्शन के बाद तो खंडवा में कलेक्टर महोदय भी अपना अहदा रखते हैं। तो हमने सोचा कि आज सभी साथी आ जाएं और हमारी भावनाओं का अवगत कराएं और शासन तक प्रस्तुत करें। मेरा नाम शिव चंद्रायन है, संयुक्त मोर्चा जिला अध्यक्ष खंडवा।